नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और ईमानदारी से अपने काम को कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये शब्द का जुड़ने का मेरा मेन मकसद ये है कि आज के वीडियो में मैं आपको कुछ फ्रॉड बाजू से मिलाने वाला हूँ और किस तरीके से लोग ये फ्रॉड कर रहे हैं, ख़ास करके जो भी हमारे ये डिजिटल ज़माने में जो आधार कार्ड से या फिर किसी भी CSP के से पैसे के जो निकासी हो रही है, इसमें ये गरीबों को किस तरीके से ये लोग लूट रहे हैं, किस तरीके से उनकी मेहनत की कमाई को यूं ही ये लोग बर्बाद कर रहे हैं और गलत तरीके से पैसे की निकासी कर रहे हैं। आज स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और जो बंदा ने फ्रॉड तरीके से पैसे निकाला है, ये फ्रॉड कुछ हटके है। शायद जो आप लोगों ये सुन करके ये देख करके चौंक जाएंगे कि सर ये यहाँ तक भी फ्रॉडबाजी की जा सकती है क्या, इस तरीके से भी फ्रॉडबाजी हो सकता है क्या। सो स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको देखते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से लोग फ्रॉड कर रहे हैं। अभी आपको एक वीडियो क्लिप में दिखा रहा हूँ, इस वीडियो क्लिप को पहले देख ले। ये देखिए, धनगढ़ा निवासी है चुनू जी, जो राजापुर मठिया फिंगर दूसरे किसी का फिंगर बनवा के राजापुर मठिया चौक पे पैसा अनलीगल ढंग से निकाल रहे थे, जिनको ग्रामीणों ने पकड़ लिया है, उनके भाई हुए। पुलिस अभी तक नहीं आई है, पूरे ग्रामीण यहाँ पे भीड़ लगा के जमा है। फिंगर यहाँ पे राजापुर मठिया चौक का ही घटना है। चुनू जी है, चुनू कुमार, चुनू का नाम है भैया, भाई दूसरे किसी का फिंगर यूज करके, फिंगर है दूसरे किसी का फिंगर यूज करके पैसा अनलीगल ढंग से ले रहे थे, इनके भाई हुए। आप क्या नाम है आपका? पवन कुमार है। पिता बताइए, पिता बोलिए। पिता देवेंद्र प्रसाद। हाँ देवेंद्र प्रसाद, देवेंद्र प्रसाद के पुत्र हैं दोनों आदमी। दोनों पैसे अनलीगल ढंग से निकाल रहे थे फिंगर पे लेके, इरा फिंगर। अभी थोड़ी देर में प्रशासन आ रही है, पूरा ग्रामीण जुटे हुए हैं, थोड़ी देर में प्रशासन आ रहा है, प्रशासन को हैंडओवर कर दिया जाएगा। फ्रॉड को करने के बाद इसका क्या हश्र हुआ और इसके परिवार का क्या हाल हुआ, ये सब आप लोग समझ सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को देख लिया, बहुत कुछ आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे कि इस बंदे की जो पर्सनैलिटी आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे देश में समझिए कि बेरोजगारी का ही एक देन है कि ये लोग इस तरीके से चोरी उचक्की करना शुरू कर दिए हैं। मेरा जो भी वीडियो आप देखेंगे, उठा के देखेंगे, मेरा एक ही कहना होता है कि अगर आपको इस बिजनेस में प्रॉफिट नहीं दिख रहा है तो सीधी सी बात है, अपनी दुकान बंद करें, दूसरा कारोबार अपना शुरू कर सकते हैं, दूसरा कोई व्यवसाय अपना कर सकते हैं जो ईमानदारी से हो, जिसमें आपके माँ बाप का इज्जत बरकरार रहे। बट इस तरीके का बिजनेस करके, इस तरीके का काम करके, आप देखिए वीडियो में किस तरीके से सारे लोगों के बीच में ये बंदा है और पुलिस भी आई इसको लेके जाती है, फिर इसके परिवार का क्या इज्जत रहता है, इसके माँ बाप की इज्जत का क्या धजिया उड़ता है, ये सब आप लोग सोच सकते हैं। केवल हम लोग मतलब देखने के बाद मतलब सर फटने लगा कि यार इस बंदे ने इस हद तक भी जा करके कांड कर दिया जहाँ तक लोग सोच भी नहीं सकता है, किसी और का फिंगर बनाना। अब इसके लिए आप समझ सकते हैं ना कि इस बंदे ने कितने सारे लोगों का इस तरह से फिंगर को मतलब ये डी किया होगा और बनाया होगा और फ्रॉडबाजी किया होगा। बट आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी आप लोग काम करें, आपके पास में आप लोग दिल पे हाथ रख के रखे, ये एक बार सोचें और इस मेरे बात को अंदर तक जाने दें कि आपके पास में पैसे निकालने के लिए किस प्रकार के लोग ज़्यादा आते हैं। तो आपके दिल से दिमाग से ये आवाज़ आएगी कि वैसे लोग आते हैं जो बिल्कुल एक मिडिल क्लास के नीचे भी रहते हैं, यानी कि महागरीब होते हैं, जो इस पे डिपेंड करते हैं कि उनका परिवार, उनका बेटा, उनका मालिक दो पैसा कमा के भेजेगा तो आज उनके घर में चूल्हा जलेगा। और अगर इस तरीके का फ्रॉडबाजी अगर होता है तो आप समझ सकते हैं कि आप कैसे लोगों के साथ फ्रॉडबाजी कर रहे हैं, वैसे मज़दूरों के साथ फ्रॉडबाजी कर रहे हैं जो एक एक रुपया मजदूरी करके अपने मेहनत की कमाई को इकट्ठा करता है अकाउंट में और आप उसे यूं ही फ्रॉड करके उड़ा लेते हो। क्या औकात है तुम्हारी? क्या तुम्हारे दिल दिमाग के अंदर ज़रा सा भी ये बात नहीं घुसती तुम्हारे भेजे में कि तुम लोग ये कर क्या रहे हो यार? क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ऐसी ही परवरिश दी है? मुझे तो नहीं लगता कि आपके माँ बापों ने आपको ऐसी परवरिश दी होगी। किसी के माँ बाप भी ये नहीं चाहते कि मेरा औलाद बड़ा होकर के कुछ गलत काम करे, किसी को दिल दुखाए। बट आप जिस तरीके से काम कर रहे हो, ये किसी ना किसी का दिल दुखा होगा, किसी ना किसी गरीब का, इसलिए आज आप पकड़ाए हो। और आप आज पे आपके साथ साथ आपके माँ बाप की भी इज्जत का धजिया उड़ चुका है। क्यों कर रहे हो ऐसे काम? क्या हासिल करना चाहते हो ऐसे काम करके? क्या फ़ायदा होगा अपने अगर इस तरह से कमाई करके आप अपने औलाद को पाल पोस के बड़ा करते हो तो क्या तुम्हारा औलाद भी संस्कारी निकलेगा? नहीं निकलेगा ना, वो भी तुम्हारी तरह चोर उचक्का ही निकलेगा। भगवान ने आपको हर चीज़ दिया है,
जो एक सफल लोगों को देते हैं, जो एक मेहनत मजदूर करने वाले लोगों को देते हैं, तो आप फिर इस तरीके का हरकत क्यों करते हो? अपने कम से कम अपना ना सही, अपने बाप मातारी का फिक्र तो करो कि उनकी इज्जत का क्या होगा। क्या इसी दिन के तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, ये दिन दिखाने के लिए कि आज उनको बुढ़ापे के हालत में जेल की चक्की के पीछे और समाज में बिल्कुल गलत नज़र से, गिरी हुई नज़र से तुम उनको रखने की काम कर रहे हो? ज़रा सा भी तुम्हारे अंदर अक्ल है, ज़रा सा भी तुम्हारे अंदर शहूर है, तो इस तरीके का हरकत नहीं करें। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर व्यूवर्स हैं और जो भी हमारे टीम के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोगों का जिस दिन लगने लगे कि हाँ आपकी इनकम नहीं हो रही है, उस दिन अपना दुकान बंद कीजिए, कोई दूसरा कारोबार कर लीजिए, लेकिन प्लीज़ गरीबों का पैसा ना लूटिए, क्योंकि वो आपको जानते हैं, आप जो कहते हैं वो मान लेते हैं। इतने भोले होते हैं वो लोग कि आप जो कहेंगे वो मान लेते हैं। 500 निकलना है, आपने 500 निकाला, वो क्या जानता है कितना निकाले आपने? आप 550 भी निकाल सकते हो, 600 भी निकाल सकते हो, 1000 भी निकाल सकते हो, वो आपसे सवाल भी नहीं करने आएंगे। इतने भोले हैं वो लोग, इतने आप पे विश्वास करते हैं कि हमारे गांव के मैनेजर साहब हैं, ये हमें फ्रॉड थोड़ी करेंगे, हमें धोखा थोड़ी देंगे, और आप क्या कर रहे हो, उसके विश्वास को आप यूं ही चकनाचूर कर रहे हो। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, बी ऑनेस्ट यार, ईमानदार बनो, ईमानदारी से काम करो। एक रुपया ही कमाओगे ना, शाम को दिल में ये सुकून आएगा कि मैंने ईमानदारी से आज 1 रुपया कमाया है। बट बेईमानी से आज 1 लाख रुपये भी कमा लोगे ना, साला सोओगे ना रात में, ये नींद भी नहीं आएगी कि मैंने किसी का दिल दुखा कर के 1 लाख रुपया कमाया। यार क्या फ़ायदा ऐसे पैसे की, लानत है ऐसी ज़िंदगी पर यार। सो बी केयरफुल, बी ऑनेस्ट, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू।